मेष राजे तीन भाइयों और दोस्तों की मदद से आपके खास काम पूरे हो जाएंगे। नौकरी धंधे को लेकर मन में कुछ व्यावहारिक विचार रहेंगे। ऑफिस में कोई नया काम भी सामने आ सकता है। कोई पुराना मामला चला आ रहा हो तो बेहतर होगा कि उसे सिरे से ही भूल जाएं। चंद्रमा गोचर कुंडली के तीसरे भाव में होने से आपके लिए शुभ रहेगा। पार्टनर से फायदा मिलेगा। कुछ नया काम करें, फायदा होगा। नेगेटिव, किसी काम को बार बार करने से बचें। उधारी देने और लेने से भी बचें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर परिवार के मामलों में दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। छिटपुट अनबन या विवाद के योग बन रहे हैं। बीती बातों को जितना खींचेंगे उतने परेशान भी रहेंगे। क्या करें, पान पर धनिया रखकर नदी में बहा दें। लव, पुराने मामले सुलझ सकते हैं। हल आपको ही करनी होगी। परिवार में खर्चा भी बढ़ सकता है। करियर, पुराने निवेश से भी आज आपको फायदा होगा। खर्चा बढ़ेगा लेकिन दिन अच्छा गुजरेगा। पढ़ाई कम और कंफ्यूजन ज्यादा हो सकता है। किसी एक ही विषय पर ध्यान दें बेहतर रहेगा। हेल्थ, दिन भर के कामों से थकान और आलस्य रहेगा। वृषभ राशि के चंद्रमा गोचर कुंडली के धन भाव में रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई नई और महत्वपूर्ण शुरुआत हो सकती है। ऑफिस में वह काम आपको आज मिल सकता है जिसके लिए आप बहुत उत्सुक थे। आज आप अपनी वाणी से काम पूरे करवा लेंगे। न्याय संगत बातें करेंगे। पुरानी मेहनत रंग लाएगी। परिवार और बिजनेस के मामलों में सहजता और सरलता रहेगी। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। नेगेटिव, थकावट रहेगी। ऑफिस में भी आपसे कोई गलती हो सकती है। आपकी दिनचर्या पर असर पड़ सकता है। कहीं ना कहीं किसी तरह की देरी और कोई गलतफहमी हो सकती है। किसी से कहा सुनी होने के भी योग हैं। किसी दोस्त की पुरानी समस्या सुलझाने में आप खुद भी उलझ सकते हैं। कोई राज या खास बात किसी को ना बताएं। वाहन का उपयोग भी संभल कर करें। क्या करें, पानी की टंकी में 1 सिक्का डाल दें। लव, दिन अच्छा है और पार्टनर का मूड भी। पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया काम आप कर सकते हैं। प्रेम संबंध भी और मजबूत हो जाएंगे। करियर, रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। बिजनेस में भी रुका हुआ पैसा मिलने के चांस कम है। प्रतियोगिताओं में सफलता के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। इस सप्ताह मिले नतीजे अनुमान से कुछ कम आ सकते हैं। हेल्थ, घुटनों और जोड़ों के दर्द में राहत मिल सकती है। मिथुन पॉजिटिव, कोई जोखिम भरा काम शुरू कर सकते हैं। इसमें सफल होने के भी योग हैं। आपका आकर्षण बढ़ेगा। पूरी ताकत और मन से काम करेंगे तो फायदा हो सकता है। पैसों के बारे में बहुत समझदारी से फैसले करने होंगे। एक्स्ट्रा आमदनी के कुछ अच्छे और नए मौके मिल सकते हैं। इन मौकों को लेकर पूरे जोश में रहेंगे। खेलकूद और मनोरंजन में शामिल होने का मौका मिल सकता है। कोई बड़ा मददगार भी आपको मिल सकता है जिससे रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। इस राशि के कुछ लोगों को अचानक फायदा हो सकता है। आपको सुख भी मिलेगा। दोस्तों के साथ मन की बातें शेयर करेंगे। इससे आपका मन हल्का भी हो जाएगा। नेगेटिव, आज दूसरों की बातों और कामों में दखल देने से बचें। काम में मन लगाने में आपको एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ेगी। किसी मामले में आप लालच कर सकते हैं। जो स्थिति साफ नहीं है उसे लेकर परेशान ना हो। फालतू बातों की टेंशन ले सकते हैं। इससे आपका समय भी खराब हो सकता है। क्या करें, किसी मंदिर में तांबे का दीपक दान दें। लव लाइफ के किसी सेंसिटिव मामले में आप अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं लेकिन सौम्य रहें। किसी की बातों में ना आए। अपने पार्टनर से मिलकर गलतफहमियां दूर करें। करियर, बिजनेस में अचानक फायदा हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के कामकाज भी ज्यादा रहेंगे। पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं। किसी तरह का कंफ्यूजन भी हो सकता है। आपको सिर्फ काम की बात पर ध्यान देना चाहिए। हेल्थ, परिवार में किसी की सेहत भी बिगड़ सकती है। नींद की कमी भी रहेगी। कर्क पॉजिटिव, अपनी परेशानी किसी से शेयर करने पर मन हल्का हो जाएगा।
हर तरह के मामलों में शांत मन से विचार करें, फिर ही कोई फैसला लें। इच्छाएं पूरी होने में समय नहीं लगेगा। आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो आराम से दिन बिता सकेंगे, कुछ फैसले ठीक रहेंगे, आने वाले दिन आपके लिए और भी अच्छे रहेंगे, लोग आपकी ओर आकर्षित भी होंगे, अपनों का साथ मिलने से आप खुश हो सकते हैं, बिजनेस या जॉब के पर्पज से यात्रा हो सकती है, निजी जीवन के कुछ विवाद सुलझ सकते हैं। नेगेटिव चंद्रमा की स्थिति से आपको कुछ अलग तरह की बेचैनी भी हो सकती है, अपनी बेचैनी को कंट्रोल में रखें। आपकी राशि से 12वीं राशि में चंद्रमा होने से परेशानियां भी रहेंगी, आपकी अधीरता के कारण दूसरे लोग आपसे दूर हो सकते हैं या नाराज भी रहेंगे। चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए कोई बड़ा काम ना करें, जिन कामों में आप एक बार असफल हो चुके हैं उन्हें तो भूल से भी ना दोहराएं। क्या करें, किन्नरों को पान खिलाएं, लव पुराने प्यार से मुलाकात हो सकती है, लव पार्टनर पर खर्चा बढ़ सकता है, आप हल्के मूड में रहेंगे, करियर दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, किस्मत पर भरोसा करें, पार्टनरशिप हो सकती है, स्टूडेंट्स भी परेशान रहेंगे, हेल्थ सेहत को लेकर सावधान रहें, आलस्य और थकान रहेगी। सिंह पॉजिटिव मदद या सलाह के लिए कुछ लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दोस्तों और भाइयों से अच्छा सहयोग मिलेगा, चंद्रमा गोचर कुंडली के लाभ भाव में रहेगा, कोई क्या सोच रहा है या आप समझ जाएंगे, रोमांस के लिहाज से आपके लिए समय अच्छा है, ज्यादातर मामलों में भी दिन अच्छा रहेगा, आपकी तारीफ हो सकती है, कोई पुरस्कार भी मिल सकता है, आज किए गए कामों का फायदा भी आपको मिलेगा, समय आपके फेवर में होने के कारण आप खुश रहेंगे, ज्यादा मेहनत करके थोड़ा धन लाभ भी मिल सकता है। नेगेटिव, बिना सोचे समझे बोलकर आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, एक अजीब तरह की स्थिति भी आपके साथ बन सकती है, मन में कोई और बात रहेगी और मुंह से कुछ और ही निकल जाएगा, ऐसा आपके साथ हो सकता है, आपके ही आसपास के कुछ लोग आपसे बातें छुपा सकते हैं, सेहत थोड़ी कमजोर हो सकती है, आलस्य रहेगा, वाहन संभाल कर चलाए। क्या करें, अपोजिट जेंडर वाले को डियो या परफ्यूम गिफ्ट करें, लव जीवन साथी या लव पार्टनर से बेवजह विवाद हो सकता है, प्रेम संबंध में दूरियां बढ़ सकती है, करियर नौकरी पेशा लोग और बिजनेस वालों के लिए अच्छा दिन है, किसी छोटे काम से बड़ा फायदा भी मिल सकता है, स्टूडेंट्स के लिए दिन सामान्य रहेगा लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, कंफ्यूजन में भी समय खराब हो सकता है, हेल्थ सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, पुराने रोग भी परेशान कर सकते हैं। कन्या पॉजिटिव, आज जो भी काम हाथ में है उसे निपटाने में समय भी ज्यादा लगेगा, नौकरी या बिजनेस में एक से ज्यादा फायदे के मौके मिल सकते हैं, कामकाज की गति तेज होगी, किसी सामाजिक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है, दूर रहने वाले किसी दोस्त से बात होगी, परेशानियों का सॉल्यूशन हो जाएगा, अपने शौक पूरे करने हैं तो कर ले, मेहनत से भी काम पूरे होंगे, पिता से सहयोग मिलेगा, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो किस्मत आपके फेवर में हो सकती है, कुछ बिजनेस करने वाले लोगों की इनकम भी बढ़ सकती है, वाहन या मकान खरीदने का मन बन सकता है, पुराना परिचित जल्दी ही आपसे कांटेक्ट कर सकता है। नेगेटिव, किसी के साथ कोई गलत फहमी भी हो सकती है, उसका कोई समाधान निकालने की कोशिश करें, कोई फैसला तुरंत करने से आपकी परेशानी और भी बढ़ सकती है, अचानक यात्रा या कोई बड़ा काम करने में थोड़ा डर या टेंशन भी रहेगा, क्या करें, चाकू या किसी औजार पर लाल धागा बांधे, लव लाइफ में आप कुछ बदलाव हो सकते हैं, पार्टनर से अनबन होने के बाद नई लव स्टोरी शुरू हो सकती है, करियर कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है, करियर के मामले में सावधान रहना होगा, किसी अनजान व्यक्ति की बातों में ना पड़े, नया कोर्स शुरू करें, समय अच्छा है, किसी बड़ी समस्या को सुलझाने में भी सफल हो सकते हैं, हेल्थ हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो राहत मिल सकती है। तुला पॉजिटिव, चंद्रमा गोचर कुंडली के भाग्य स्थान में ही रहेगा, आपके लिए दिन अच्छा रहेगा, आप जिससे भी मिलेंगे उस पर आपका प्रभाव पड़ेगा, कुछ अच्छे मौके भी आपको मिल सकते हैं,
कोशिश करेंगे तो उम्मीदों से ज्यादा सफलता मिल सकती है। मन शांत रखें, नए अनुभव हो सकते हैं, कामकाज में आनंद आएगा, भावनात्मक संतुलन भी बना रहेगा, अचानक कोई जिम्मेदारी भी मिल सकती है, धन लाभ की उम्मीद है, पैसा तो आएगा ही, काम की बात भी होगी, माता पिता और भाई बहनों से मदद मिल सकती है। नेगेटिव, परिवार या कार्य क्षेत्र में आपके साथ भेदभाव हो सकता है, कुछ मामलों में ओवर कॉन्फिडेंस के कारण गलती हो सकती है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, कुछ मामलों में आप परेशान हो सकते हैं, क्या करें, मंदिर के पुजारी या किसी ब्राह्मण के पैर छुएं और आशीर्वाद लें। लव पार्टनर की ओर आकर्षण बढ़ सकता है, पार्टनर का मूड कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। करियर, प्रोफेशनल लाइफ में पार्टनर से मदद मिल सकती है और पैसों से जुड़ा फायदा भी होगा, स्टूडेंट्स को सफलता मिलने के योग है। हेल्थ, मन में अशांति रहेगी, पेट और स्किन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। वृश्चिक, पॉजिटिव, कुछ मामलों में बहुत ही सोच विचार के बाद आप किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे, आप वही करें जो आप चाहते हैं, अपना व्यवहार लचीला रखें, पिछले कुछ दिनों में बनी योजना आपके लिए कारगर हो सकती है, जरूरत पड़ने पर साथियों या पार्टनर से सलाह लेने में संकोच ना करें, बिजनेस में अच्छी तरह सोच विचार कर किए हुए सौदे फायदा देंगे, दूसरों पर आपका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, परिवार और दूसरों की मदद भी आप करेंगे, जरूरत पड़ी तो पैसों की मदद भी आपको मिल सकती है, अपनी प्लानिंग को बचा कर रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेगेटिव, यात्रा के कार्यक्रमों पर अचानक फैसले लेने से बचे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, मन में कुछ उतार चढ़ाव भी रहेंगे, इससे आपको घबराहट भी हो सकती है, आसपास के लोगों के व्यवहार या सोच से परेशानी हो सकती है, आपके मामलों में कोई बेवजह ही दखल दे सकता है, इस कारण आप अपनी इच्छा से काम नहीं कर पाएंगे, विचारों और भावनाओं में तालमेल नहीं रहेगा, निजी संबंधों में अनबन हो सकती है। गोचर कुंडली का चंद्रमा 8वें भाव में होने से अचानक धन हानि हो सकती है, खर्चा बढ़ेगा, आसपास के लोगों से बहस भी हो सकती है, क्या करें, किसी बूढ़े इंसान की मदद करें। लव, आपको कुछ वैवाहिक प्रस्ताव भी मिल सकते हैं, पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करेगा, लव लाइफ की समस्याएं खत्म होने से आप खुश रहेंगे, करियर नए कारोबार की रूपरेखा बन सकती है, पढ़ाई के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसका परिणाम भी जल्दी ही मिलेगा। हेल्थ, सेहत को लेकर सावधान रहें, कमर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। धनु, पॉजिटिव, चंद्रमा गोचर कुंडली के सप्तम भाव में रहेगा, आपकी या जीवन साथी की पैसों की स्थिति में कुछ बदलाव हो सकता है, विचार करके कोई नई योजना बनाएंगे तो पैसों के लिहाज से बड़ा फायदा हो सकता है, चंद्रमा की स्थिति से दिन अच्छा रहेगा, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, कामकाजी जीवन में प्रगति के कई मौके मिल सकते हैं, कोई बड़ा काम हाथ में लेने के बारे में भी विचार कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान निकालने में बहुत हद तक सफल हो सकते हैं, क्लेश खत्म हो सकता है और फिजूल खर्ची भी कम रहेगी। नेगेटिव, जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई विवाद ना होने दें, मामला ना उठाएं, कुछ दोस्तों का व्यवहार आपको सनकपूर्ण लग सकता है, आज आप लोगों की परेशानी नहीं समझेंगे, इस वजह से भी विवाद होने के योग हैं, आप थोड़े अनमने या चिड़चिड़े भी हो सकते हैं, क्या करें, किसी गरीब को चप्पल या जूते दान करें। लव लव पार्टनर के लिए आप आम दिनों से ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन संबंध सुधारने की चिंता आपको करनी होगी, करियर बिजनेस में फायदा हो सकता है, नौकरी में थोड़ा तनाव भी हो सकता है, आपका ध्यान पढ़ने लिखने में कम रहेगा, स्टूडेंट्स को आसानी से सफलता मिल सकती है। हेल्थ, सेहत का ध्यान रखें, पेट संबंधी रोग हो सकते हैं। मकर, पॉजिटिव, पैसों के मामले में पॉजिटिव इशारे मिल सकते हैं, किसी की मदद से अच्छा फायदा भी हो सकता है, आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई रहेंगी, अधिकारियों और लोगों की मदद करेंगे, इससे आपके संबंधों में सुधार हो सकता है, भावनात्मक संतुलन और शांति रखें, दुश्मन खुद की गलतियों से ही आपसे हार जाएंगे, आज आप जो बिजनेस सौदे करेंगे उनसे आने वाले कुछ समय तक आपको फायदा होगा,
निगेटिव, आज आप पहले से ही बहुत बिजी हैं और उसके अलावा किसी और की मदद करने का काम भी आप अपने सिर पर ले सकते हैं। किसी से बातचीत में भंस हो सकती है, काम पूरे होने में कोई ना कोई रुकावट भी आ सकती है, फोन, कंप्यूटर या इंटरनेट से कोई परेशानी बढ़ सकती है, पार्टनर के साथ संबंधों के मामलों में कुछ चीजें आपको परेशानी दे सकती हैं, कुछ अनबन की स्थिति भी बन सकती है, आपके कुछ डिसीजन भी आज गलत हो सकते हैं। क्या करें? किसी मंदिर के शिखर का दर्शन करें। लव प्रेमी जोड़ों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आपके संबंध मजबूत और स्थायी बनेंगे। करियर, कोई बड़ा फैसला सोच समझ कर ले, बिजनेस में फायदा होगा। क्या करना है और क्या नहीं, यह संकोच भी खत्म होगा। हेल्थ, थकान और नींद की कमी रहेगी, हल्का और सादा भोजन करें। कुंभ, पॉजिटिव सैलरी बढ़ सकती है या किसी और तरीके से आपको धन लाभ होगा। कामकाज में नई शुरुआत भी होने के योग है। करियर में दूसरे लोग भी आपको कॉपी कर सकते हैं। आज आप नौकरी बदलने के लिए सहमत हो सकते हैं। परिवार में किसी के रिश्ते आदि के ऑफर पर सहमति मिल जाएगी। सकारात्मकता भी बढ़ सकती है। कागजी काम चुनौतीपूर्ण लग सकता है। कोई महत्वपूर्ण कागज तैयार करना हो तो अपने अलावा किसी और से भी उसकी जांच करवा ले। उन लोगों के लिए दिन अच्छा है जो इंटरव्यू, सौदे, दलाली और कमीशन से जुड़े हुए हैं। सौदे के लिए किसी को राजी करने में आज आप बहुत हद तक सफल भी रहेंगे। नेगेटिव, दूसरों के साथ अनबन या विवाद का कोई मामला उलझ सकता है। सावधान रहे, किसी की ज्यादा आलोचना ना करें, बात और बिगड़ भी सकती है। अपने काम में झूठ का उपयोग ना करें, किसी से बड़ा वादा ना करें। बहुत ऊंची मांग करने से बनती बात भी बिगड़ने के योग है। सिरदर्द भी हो सकता है। क्या करें? कुमकुम का तिलक लगाएं। लव प्यार करने के लिए दिन बढ़िया है। रिश्तों में कोई परेशानी है तो बड़ों की मदद ले सकते हैं। करियर, नौकरी, पेशा, लोग, किसी भी तरह के तनाव में आने से बचें। निवेश सोच समझ कर करें, सफलता मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। हेल्थ, चोट लग सकती है। वाहनों से सावधान रहे। मीन, पॉजिटिव, पहले से ही अपनी सीमाएं तय कर ले। सामाजिक मेल मिलाप के कुछ रोचक मौके भी आज आपको मिल सकते हैं। किसी निवेश या सौदेबाजी से आपको बड़ा फायदा हो सकता है। भावनात्मक परेशानियां खत्म हो सकती हैं। प्रेमी के साथ अनबन की स्थिति में अपना व्यवहार शांत और सकारात्मक रखें, सब ठीक रहेगा। जरूरी कामों की सूची बनाकर निपटाएं, परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। व्यस्तता रहेगी, करियर के लिए जिससे मदद की जरूरत होगी मिल जाएगी। नेगेटिव, शांत रहें, कोई बड़ा फैसला लेने से भी बचें तो ही अच्छा है। ऑफिस में माहौल पूरी तरह ठीक नहीं है, थोड़ा तनाव या दबाव भी रहेगा। चंद्रमा गोचर कुंडली के चौथे भाव में रहेगा, इसलिए आज संबंधों और सुविधाओं को लेकर मन में संदेह रहेगा। पार्टनर से अनबन हो सकती है। आप खुद और आपका काम दोनों अस्त व्यस्त हो सकते हैं। पैसों के मामले में किसी तरह की टेंशन बनी रहेगी। लेन देन और हिसाब में गड़बड़ी हो सकती है। क्या करें? सफेद फूल अपने पास रखें। लव, पार्टनर की बातों को दिल से ना लगाएं। दूसरों का गुस्सा पार्टनर पर ना निकालें। लव लाइफ सामान्य रहेगी। करियर, पैसे से जुड़े मामलों में सोच समझ कर फैसला लें। देनदार धोखा भी दे सकते हैं। पढ़ाई शुरू कर दें। स्टूडेंट्स को सफलता मिल सकती है। हेल्थ, लंबी यात्रा पर जाने से बचें, सेहत बिगड़ सकती है।